धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का ई है सुआउ जन कै संग चित आवे नाउ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार जिता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जिहा तू कराए तिहा हों करी वखियान गुरु गरीब नवाज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पतत पावन भगत वाहिशिल चवर सत्र तख्तां दे मालिक गुरता गद्दी ते विराजमान दसां पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां सतगुरां जी दी पावन पवित्र मिठी गोद दे विच जुड़ बैठे अति सत्कारयोग गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों जितने भी आप माई भाई दूरों नेड़ियों चल करके सतगुरु जी की हजूरी दे विच जुड़ बैठे हो बहुत ही वड्डियां भागां वाले हो ये जो महान गुरमत समागम हर साल की तरह पिंड शीने दे प्रबंधक जनां दे वलों हर साल ये गुरमत समागम करवाया जाता है उस पारियो उपकारी महापुरख धन धन बाबा पाला सिंह जी गऊं वाले उन्हां दी याद दे अंदर आपां ये समागम जिहड़ा मना रहे हाँ इस दे विच हाजरियां लवा रहे हाँ मेरे तो पहला सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज दे हजूरी रागे जत्थे दे पासों आप जिया ने कीर्तन सरवण करके अपने मनुखा जीवन नूं सफल बनाया है। आओ कुछ समय दी विचार है मन बिरतियां नूं एकागर करिए सारे ही गुरु चरणां विच हाजरी लवाइए ते मुख नूं पवित्र करो जी उचारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी महाराज दी गुरबाणी दा फरमान है कि जो रब दे प्यारे है जो संत है साधु है ब्रह्म ज्ञानी है ये वक्रियां वक्रियां स्टेजां है जिवें जिवें रब दे प्यारे भगती करदे है सिमरन करदे है उसी तरह रब परमात्मा दातां दिंदा है। सो गुरु प्यारियो जिहड़े रब दे प्यारे है संत जन है वह परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी आप धरती ते भेजदा है। असी जिन्ने भी संसारी जीव हाँ अपने कर्मां दा बद्धा करके असी आउने आ लेखा चोखा दिने आ। सो भाई बैठ जाओ बेनती है बैठ जाओ। सो आपां अपना लेखा चोखा देन वास्ते आउने आ
पर जिहड़े संत जन उह परमेश्वर दे भेजे होए इस धरती ते आउंदे ऐ परमात्मा ड्यूटी लाउंदा ऐ उहनां महापुरखां दी गुरसिखां दी कि जा जिहड़े मेरे नालों टुट चुके ऐ उहनां नूं परमेश्वर जी कहिंदे संतां नूं साधुआं नूं कि मेरे नाल जोड़ना कर क्योंकि असी कर्मां दा करके रब तों विछड़े आ किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम असी गुरु प्यारियो विछड़ चुके हाँ जिहड़े संत है ना वह गुरु प्यारियो विछड़िया हुई रूहां नूं टुट चुके मनुखां नूं परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़दे है पर संत अजकल ते गुरु प्यारियो सारे लिखाई जांदे है कि फलाना संत है ये 108 संत है पर संत दे लसण जिहड़े है ना गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज ने दसे है गुरु के सिखां ने बेनती की सी कहिंदे सच्चे पातशाह संत दे लसण की है क्योंकि जो बच्चा असी सारे बच्चों वाले हाँ परिवारों वाले हाँ बच्चा जदों स्कूल दे विच पढ़ता लिखता है ना बच्चे दे चाल चलना तो पता लग जाता कि बच्चे ने की बनना है ने टीचर बनना है ये डॉक्टर बनेगा थोड़ा लसणा दा करके पता चल जाता है। सो गुरु प्यारियो संतां दे लसण सतगुरां जी महाराज ने सिखां ने बेनती की ते सतगुरु पातशाह जी महाराज कहन लगे कि जिहड़ा संत है ना पहला कि उहदे अंदर गुण कि उह परोपकारी हुंदा है उह परोपकार करन वास्ते दुनिया ते आउंदी है टुटी होई लकाई नूं परमात्मा दे चरणां दे नाल जोड़ दिंदे है। सो दूसरा गुरु प्यारो संत दे अंदर कोई वैर नहीं संत निरवैर हुंदा है संत दे कोल कोई दुश्मन आ जावे संत दे कोल कोई उन्हां दे नाल बहुता प्यार करन वाला मित्र आ जावे उन्हूं बराबर प्यार करदे है। सो गुरु प्यारो संत संतोखी है संत निरवैर है संत सभना नूं प्यार करदा है। इसी तरह गुरु प्यारो जिवें धरती दा हौसला है कि धरती नूं कोई पुट देवे धरती पुटी जावे उहदी साती नूं आपां चीर करके धरती दी नूं डूंघियां डूंघियां नीहां पुट के ते गुरु प्यारो महल उसारदे आं धरती ने कदे गुस्सा नहीं कीता कि तू भाई मैनू क्यों पुटदा पिया है। धरती दे उपर महल उसारदे आं धरती दे उपर गुरु प्यारो फिर आपां किते चंदन दे लेप कर दीए ते धरती खुश नहीं हुंदी। इसे तरह साधु दा हिरदा जिहड़ा है ओ गुरु प्यारो धीरज वाला हुंदा है साधु परोपकारी हुंदे आ ओ परोपकार करन वास्ते आउंदे आ ओ संतोखी हुंदे आ ओ कामी नहीं ओ क्रोधी नहीं ओ गुरु प्यारो काम क्रोध तो बच जाना करदे इन्हां पंजां नूं अपने वस दे विच करके ते गुरु प्यारो जिहड़े संसार ते आके नाम जपदे आ ते जदों किसानों पता लगना करदा उन्हां चिर नूं ओ महापुरख जिहड़े साडे तों दूर हो जाना करदे आ। सो गुरु प्यारो गुरु नानक दी बाणी कहना करदी है कि सेव कीती संतोखई जिनी सचो सच ते आया उन्नी मंदी पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया। सेवादार अंदरों संतोखी है उहदे अंदर दा संतोख है उहदे कोल माया भी बेअंत आउंदी है ते गुरु प्यारो सानू ते सारी उम्र संतोख नहीं आउंदा ये महापुरखां नूं रब ने दात दित्ती है परमेश्वर ने दात दित्ती है। सेव कीती संतोखई जिन्नी सचो सच ते आया उन्होंने सच्चे परमात्मा नूं अकाल पुरख वाहिगुरु नूं ते आया ते गुरु प्यारो संतोखी हो गए उन्नी मंदी पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया उन्हां दी सुकिरत ऐसी हो जांदी उन्हां दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया वह थोड़ा अन्न छकदे आ केवल शरीर नूं चलाउण वास्ते कि शरीर नूं चलाउण वास्ते गुरु प्यारो सानू पता है कि जे प्रशादा ना छकांगे तो शरीर कमजोर हो जाना इस करके थोड़ा खांदे है थोड़ा बोलते है थोड़ा सौंदे है ये संत दे लसण है संत दे अंदर ये रब दा परमात्मा दा नाम चलदा है। सो गुरु प्यारो महापुरख संसार ते आए पर जदों कि सानू पता लगा ना उन्ना चिर नूं उन्हां ने प्रभपुर प्याना कर लिया महापुरखां ने। भाई पटाकियां वालियां नूं बंद करो।
कुछ समय आपां विचार करनी है। सो बच्चियां नूं रोको। सो जिन्ने क चिर नूं सानूं पता लगा कि महापुरख बंदगी करन वाले है, परमात्मा दा रूप इस धरती ते आए है, उन्ना चिर नूं गुरु प्यारो साडे कोलों वसोड़ा दे करके सानू चले गए सी। फिर गुरु प्यारो महापुरख बाबा पाला सिंह जी अंदरों संतोखी, अंदरों वैरागी ते त्यागी, रब दे नाम वाले नाम दे रसीए, मैं महापुरखां दे नेड़े होके वेखिया। साडे बजुर्गां ने बहुत संगत कीती है महापुरखां दी। सो इस नगर दे वीर भी जाणदे होणगे। सो महापुरखां दे कोल जे किसी ने आके गरीब ने बेनती कर दिती ना कि बाबा जी घर दे विच छोटा बच्चा है, दुध नहीं है, ते महापुरखां इन्ने दयालु सी लवेरी गऊ दे दिंदे सी, महापुरख इन्ने दयालु सी जेब दे विचों माया दे दिंदे सी, गिणके माया नहीं सी दिंदे, जिन्नी जेब दे विच माया महापुरखां ने दे देनी, फिर जिन्नी माया चढ़नी गुरु प्यारो कट कट के राखी जानी, सुटी जानी, क्योंकि वह वैरागी ते त्यागी सी। अज दा संत की करदा है, मैं किसी दी निंदिया नहीं करनी चाहुंदा, गुरु दी हजूरी विच बैठा है। महापुरखां ने आसन ला लैना गुरु प्यारो, गऊआं दे विच चारदिया गऊआं नूं चारदिया चारदिया ते आवाजा मारनिया गऊआं नूं, ते उस तरह गऊआं ने कोल आ जाना, क्योंकि उन्होंने हर दे विच रब नूं परमात्मा नूं वेखिया, उन्होंने पशुआं जीव जंतुआं दे विच रब नूं परमात्मा नूं वेखिया। ते पंजवें पातशाह जी महाराज कहिंदे, जह जह पेखूं तह हजूर, दूर कत हूं ना जाई, रब रहिया सर्वत्र मैं मन सदा त्याई। उन्होंने सारिया दे विचों रमिया होया राम परमात्मा दिसिया, वह गरीब की मदद करते, गरीबां दे मसीहे बनते सी बाबा पाला सिंह जी। ते गुरु प्यारो किसी ने भी जाके बेनती करनी ते बाबा जी ने उन्हां दी बेनती प्रवान कर लेनी। इस करके महापुरख जिहड़े परोपकारी हुंदे आ, परोपकार करन वास्ते आउंदे आ, गुरु परोपकारी है। महापुरख जी जांदे आ ना ते उह शरीर करके जांदे आ। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कहिंदे, साधु किते नहीं जांदा, असीं दुनिया दे लोक मरदे आ, असी मरदे रहना, पर साधु मरदा नहीं, साधु गुरु प्यारो सदा ही रहन वाला है। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कहिंदे, नाम रहियो साधु रहियो, एक ते जिन्हें नाम जप लिया उन्हें सदा रहना है, ते एक गुरु प्यारो साधु ने जिन्हें नाम जपया परमात्मा दा वो सदा रहना है। बाबा पाला सिंह जी दियां बरसियां जड़ियां सदा ही मनाइयां जाणगियां, उन्हां नूं दुनिया याद करती रहेगी। ते कबीर साहब जी कहिंदे, ओ साकत बपरा मर गया कोई ना लैह नाओ। वड़ा पुत्र साऊ होवेगा ना, एक दो खंड पाठ करा देवेगा, बाद विच गल खत्म हो जाती है। इस करके महापुरख उन्हां दा आउणा उन्हां दा धंता दे जोग है। सो इतिहास दे विचों मैं थोड़े समय दे वास्ते बेनती करनी गुरु प्यारो, वड्डे घर इतिहास दे विच जिक्र है कि गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज दे चरणां दा सेवक है भाई आकल जी, उन्हें धन गुरु रामदास महाराजियां दे सच्चे पातशाह जी दे कोलों सिखी दी दात लई हुई है, चरण पफल लई हुई है सतगुरां जी दे कोलों, सिखी दियां दातां प्राप्त कीतियां हुईयां गुरु रामदास महाराज जी प्रभपुर प्याना कर गए है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज सतगुरु जी समय दे अनुसार शहादत दा जाम पी गए है। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज की वारी आई है। गुरु हरगोबिंद पातशाह मीरी ते पीरी दे मालिक सतगुरु जी परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़दे आ। इस वड्डे घर ये नगर का ना है, इहदे पिंड दे विच रहण वाला एक गुरसिख उह जिहदा गुरु रामदास महाराज नाल जुड़िया उहदा इतिहास विच ना आउंदा है भाई आकल जी। भाई आकल जी सतगुरां जी दे चरणां नाल जुड़े है, ये मिस्त्री दा काम करदे है, कुछ लकड़ां कटणियां, लकड़ां कट के ते बाजार दे विच वेच करके अपने परिवार की पालना करनी। सो गुरु प्यारियो समा इस तरह चलता रहा। भाई आकल जी दे घर दे अंदर परमात्मा ने एक धी का
जन्म करना कीता एक धी की बख्शिश होई क्योंकि पुत्र भी रब की दात है ते धी भी रब की दात है। पुत्र असी सारे मंगदे हां पर धी कोई भागा वाला मंगदा है। पुत्र भी रब की दात है धी भी रब की दात है। भाई अकल दे घर दे विच एक धी ने जन्म लिया है। समा अपनी चाल दे नाल चलिया गुरु प्यारियो ओ धी जिहड़ी जवान होई है उन्हें बची ने जवानी की दहलीज ते पैर रखिया। ते जदों साडे घर दे विच धी जवान होवे ना ते मापिआं नूं फिकर पै जांदा है। पुत्र घर दे विच चार होवन ते ओह वी गुरु प्यारियो घर दे विच रखे जांदे है पर धी मापिआं दे दुख बहुते वंडाउंदी है। किते गुरु प्यारियो मापिआं ते मुसीबत पै जावे रब ना करे ये पेके घर पेकियां दीआं अरदासां करी जांदियां ये बच्चियां ये धीआं कि रब जी किरपा करियो मेरे भाव जिहड़े किते वीरां नूं मेरे बाबल नूं किते तत्ती वाह ना लगण दिओ क्योंकि धी रब की दात है दुख बहुते वंडाउंदी है मापिआं दे। सो गुरु प्यारो बच्ची जवान होई जवानी की दहलीज ते पैर रखिया इन्हें पुरोहित नूं भाई आकल जी ने बुलाया ते कहन लगे कि मेरी धी जवान हो गई है पुरोहित जी ब्राह्मण जी कोई मेरी धी दे वास्ते चंगा कोई वर कोई चंगा घर लभ के आउणा करे तां जो मैं प्रणा के अपनी धी नूं सहुरे घर दे विच भेज सकां। पिछले समय के अंदर संगत जी पुरोहित जिहड़े ब्राह्मण जिहड़े है ना वह बच्चियां दे रिश्ते करके आया करदे सी। सो संगत जी पुरोहित गया है ये चलदा चलदा बड़े नगरां दे विच गया इधर सामा पै गईआं ये तुकराणी पिंड दे विच गया इन्हें वेखिया घर बार चंगा है बच्चा भी सुंदर है हाण परवान दोवां बच्ची ते बच्चा है। सो गुरु प्यारो भाई साधे दा पुत्र भाई साधु जी इन्हें की करना कीता है कि परिवार वालियां नूं बुलाया ते ब्राह्मण ने भाई आकल दी पुत्री दा रिश्ता तय कर देना कीता। इतिहास कहिंदा है कि उन्हें सगन भी ला देना कीता है। सो गुरु प्यारो रिश्ता पक्का करके जदों नगर दे विच आउणा कीता आकर के दसना कीता घर विच आके कहिंदे भाई आकल नूं आके ब्राह्मण कहन लगा मैं तेरी पुत्री दा रिश्ता भाई साहब जी घर आउणा कीता। कहिंदे किथे कीता है कहिंदे तुकराणी पिंड दे विच भाई साधे दा पुत्र भाई साधु जी उन्हूं भाव तेरी बच्ची दा रिश्ता घर आउणा कीता है घर बड़ा वधिया है बच्चा बड़ा सुंदर है बड़ियां सिफतां कीतियां। भाई आकल जी कहन लगे ठीक है ब्राह्मण जी पर मैनू दस कि उन्हां दे घर दे विच गुरसिखी है वह गुरु नानक की बाणी पढ़ते है परमेश्वर का नाम लेंदे है। तो ब्राह्मण कहिंदा कहिंदा इस गल का तो मैनू चेता नहीं रहा पर कारोबार बच्चे का बड़ा वड्डा है। सो गुरु प्यारे जदों भाई आकल ने पता करना कीता कि सखी सरवर की उपासक सी सखी सरवर नू मनन वाले सी। सो गुरु प्यारे समा पा करके जदों व्याह की तरीक निश्चित की गई इधर भाई आकल जी ने साहे चिट्ठी भेज देनी कीती समा व्याह दा नेड़े आ गया व्याह वाला दिन नेड़े आ गया इधर बरात आ गई भाई आकल दे घर दे विच आनंद कारज होना सी ते इन्हां ने बच्चे वालिया ने यह गल कह देनी कीती कि असीं गुरमत दे अनुसार आनंद कारज नहीं करांगे असी ते सखी सरवर नूं मनन वाले हाँ एक पीर नूं मनन वाले हाँ सखी सरवर की पूजा करन वाले हाँ उस दे मुताबक असी भाव जिहड़ा बच्चे का विआह करना करांगे। सो गुरु प्यारियो विआह हो जाना कीता जदों बच्ची नूं पता लगना कीता है कि मैं जिहदे नाल विआह ही जा रही हाँ वो एक सखी सरवर की पूजा करन वाले है एक पीर नू मनन वाले है। सो गुरु प्यारो इस बच्ची ने गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज के चरणों के विच जुड़ के अरदास कीती ते कहन लगी सच्चे पातशाह ऐ मीरी ते पीरी दे मालक पातशाह तेरे घर दे विच रह के दातिया सुखमनी साहिब पढ़ती सी तेरे घर दे विच रह के दातिया जपजी साहिब पढ़ती सी पर अज दातिया जी दे नाल मेरे संजोग कर दित्ते है जी दे मैनू लड़ ला दित्ता है पातशाह वो एक सखी सरवर की पूजा करन वाला है पातशाह
एक ऐसी कसवटी ला देनी कीती है। सो गुरु प्यारो इस बच्ची ने अरदास कीती गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज के चरणों के विच, ते इधर गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज नगर डरौली दे विच संगतां नूं तारदी है, ते सतगुरु पातशाह जी महाराज सतगुरु जी कहन लगे भाई बिधी चंद जी नूं कहन लगे बिधी चंद डेरा कूच कर जाना है, समान साजो समान घोड़िया ते रख लेना कर, गड्डिया ते लद लेना कर। सो गुरु प्यारो साजो समान लद्या गया। इधर बच्ची ने अरदास कीती गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे चरणा दे विच, प्रेम दियां डोरियां पा देनियां कीतियां, ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज कहन लगे फिर सिखां नूं कि भाई अज दी रात रुक जाना करो, क्योंकि इधर प्रेम दियां डोरियां पै गईयां, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। परमात्मा नूं आप रुकना पिया गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज नूं, ते सतगुरु जी कहन लगे सिखां नूं भाई कल चलांगे। हुण कौन पुछे गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज नूं, दातिया तूं ते कहा सी सतगुरु जी कि आपां जाना है, पर तुसी रुक गए, हुण किसी दा हिया नहीं पिया। पर गुरु प्यारियो फिर साजो समान गड्डियां तों उतार दिता गया। इधर जदों गुरु प्यारियो धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे चरणा दे विच बच्ची जुड़ के अरदास करदी है ना, अरदास करदी कहिंदी सच्चे पातशाह कृपा करी, सबना दी तू पत रखदा, सबना दी लाज रखदा, सतगुरु तू कृपा कीती सी किते द्रौपदी दी भी लाज रखी सी। ते गुरु पातशाह जी महाराज कहिंदे द्रौपदी ने भी अलाज भाव अरदास कीती सी सतगुरु जी परमेश्वर दे चरणा दे विच, ते गुरु ने उदी अरदास प्रमान करके गुरु प्यारियो दरजोजन कहिंदा कि इस पंजाबण नूं नंगन कीता जावे सभा दे विच, पर अरदास कीती परमेश्वर दे चरणा दे विच, ते पट साहिबान कहिंदे रब ने उन्हूं नंगन नहीं होण दिता, रब पड़दे ढकदा है, रब कृपा करदा है। ते पट साहिबान कहिंदे फुन द्रोपदी लाज रखी हर प्रभ जी, सीनत वस्त्र दीन बहु साज, सो दामा आपदा ते राखिया गनका पड़त पूरे ते काज, श्री सतगुर देख प्रसन्न होए दाखो दास पाठ की लाज। गुरु लाज रखदा है सानू तरला मारना आ जावे गुरु चरणा विच, ते तरला साडा जरूर प्रवान करदा है। गुरु प्यारियो अरदास असी भी गुरु चरणा दे विच करदे आ, ते विद्वान कहिंदे है अरदास दे अखरी अर्थ है, क्योंकि अंतरी अर्थ करांगे बड़ा समा लगेगा। अरदास दे अखरी अर्थ है ऐड़ा, जिदे तू लगे अरदास करन लगा, चार अखर है ऐड़ा रारा ददे कन्ना ते ससा अरदास, जिदे लगे अगे अरदास करन लगा गुरु प्यारिया उस गुरु पूरा होवे, जिदे अगे बेनती करन लगा है ना वह गुरु पूरा होवे, ते फिर तेरी अरदास प्रवान होवेगी। ऐड़े दा अर्थ है अंतर जामी, हरारे दा अर्थ है रखवाला रखिया करन वाला, ते ददे दा अर्थ है दाता, ते ससे दा अर्थ है सहारा। जिहड़ा अंतरजामी है, जिहड़ा रखिया करन वाला है, जिहड़ा सभनां दा दाता है, ते जिहड़ा सहारा है सभनां दा डिग चुकियां दा, जिन्नू कोई सहारा नहीं उह नमाणियां दा माण, सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी नितानियां दा तान, नियोटियां दी ओट दे चरणां दे विच बेनती करे, ते गुरु कृपा करदा है। अस इस बच्ची ने इस धी ने अरदास कीती कहिंदे सच्चे पातशाह कृपा करियो, तेरे घर दे विच मीरी पीरी दिया मालका बड़े आनंद लए है, पर अज कृपा करी मेरे सहुरे घर दे विच जान तो पहला मेरा पति तेरा सिख बन जावे, पातशाह कृपा करी। गुरु प्यारियो अरदास कीती, इधर गुरु ने डेरा जिहड़ा कूच करना सी रुक जाना कीता है। सो गुरु प्यारियो अगले दिन जिहड़ा गुरु प्यारियो डोड़ा चलना सी डोड़ा चलिया, कुहार वीरां ने डोड़ा चुकिया, उस बच्ची दे डोड़े नूं लै करके चलदे आ रहे है, चलदियां चलदियां गुरु प्यारियो सामा पै गईयां, इधर नगर डरौली दे विच आ गए, डरौली साहिब दे विच। कहार वीर जदों डरौली नगर दे विच डरौली साहिब विच आए, ते गुरु प्यारियो इहदे कन्नां दे विच आवाज पई, इधर शाम दा समां होया, बच्ची दे कन्नां दे विच आवाज पई है,
हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलहारी गुरी अपने गुर कौ बल जाइया। इस बच्ची दे कन्ना दे विच आवाज पई आए मिल गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु की प्यारे। इस बच्ची दे कन्ना दे विच आवाज पई आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। जदों बच्ची दे कन्ना दे विच गुरबाणी की आवाज पई ते गुरु प्यारे लागों की एक बजुर्ग लंघदा जांदा सी। बजुर्ग नूं आवाज मार के कहन लगी बच्ची कहन लगी बाबा जी इस नगर दे विच गुरु की सिख रहिंदे है किन्ने क सिख रहिंदे है। ते गुरु प्यारे उस बजुर्ग ने अग्गों की कहना कीता सी। बजुर्ग कहन लगा धीए केवल इस नगर दे विच बजुर्ग नहीं इत्थे ते सिखी दियां वाहिगुरु केवल इस नगर दे विच सिख नहीं इत्थे ते सिखी दियां दातां वंडन वाला मीरी ते पीरी दा मालक सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज आए हुए है। ते गुरु प्यारे जदों ये बचन कीता ना बजुर्ग ने कि मीरी ते पीरी दा मालक सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह जी आया है सो गुरु प्यारे बच्ची दा हौसला होर वधिया कहन लगी ओ मना तू गुरु दे चरणा विच बेनती कीती सी गुरु ने कृपा कीती तेरी अरदास करके ही गुरु अज रुकिया है। सो गुरु प्यारो कहार वीरां नूं कहन लगी चलो मेरा डोला जिहड़ा है ना गुरु चरणा विच लै चलना करो। कहार वीर कहन लगे नहीं भैणे तेरे पति दा सुभा बड़ा सख्त है तेरे सहुरे दा सुभा बड़ा सख्त है असी गुरु चरणा दे विच तेरे डोले नूं लै के नहीं जा सकते। सो गुरु प्यारो इस बच्ची ने अपने गहने ला के दिते कुछ माया दिती ते कहार वीरां नूं कहा चलो हुण गुरु चरणा विच चलना करो। गुरु प्यारो गुरु दे चरणा विच गए अगे गुरु हरगोबिंद पातशाह जी तख्तां ते बैठे दीवान की समाप्ति हुई है संगतां बैठियां होईयां है सतगुरां जी दे चरणा दे विच। सो गुरु प्यारो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज नाले दे देखदे है ते इधर इस बच्ची ने सुहागणा भागणा वाले कपड़े पाए है डोले चो उतरी है ते चलदी है संगत दे विचों दी लंघदी लंघदी जांदी है गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे कोल ते जाके चरण फड़ लैंदी है सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे रोई जांदी है रो रो के सतगुरां दे चरण धो दिते। सतगुरां ने प्यार कीता बच्ची नूं गल वकड़ी पाई सिर ते हथ रखिया कहिंदे धीए रोनी क्यों है की कारण है रोनी क्यों रोण दा कारण दस कहिंदी दातिया तेरे घर विच रह के बड़े आनंद लैंदी सी जपजी साहब पढ़ती सी सुखमनी साहिब पढ़ती सी पर अज दातिया जिहदे नाल मेरे संजोग बना देने कीते जिहड़ा मेरा पति बना दिता है उह ते गुरु नानक दी घर दे कदी झुके ही नहीं उन्हां नूं गुरु नानक दी मर्यादा दे बारे पता ही नहीं सतगुरु सखी सरवर दे उपासक है मन मतिए है। सतगुरु पातशाह जी महाराज कहन लगे धीए तीरा करके ही रुके हैं सी काली चले जाना सी तू अरदास कीती तेरी अरदास दा करके असी रुक जाना कीता। सतगुरु प्यारे सतगुरु क्यों नहीं सुनदा सतगुरु सुनदा है कृपा करदा सानू मंगण दी जाच नहीं जिस दिन मंगना आ गया ते गुरु रहमत करदा है। गुरु जी कहिंदे मंग किवें मंगना है मंग भखारी बन के हम भीखक भिखारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहूं रंग राता। मंग भखारी बन के भखारियां दियां झोलियां गुरु भर दिंदा है मंगतियां दियां झोलियां गुरु रामदास भर दिंदा है ते गुरु प्यारो आकड़ वाले खाली रह जाना करदे है। सो सतगुरु पातशाह जी महाराज कहिंदे धीए तेरा करके रुके हैं सतगुरु ने कृपा कीती गरीब नवाजियां कीतियां इन्ने चिर नूं इहदे घर वाला गुरु प्यारो आ गया घर वाला जिहड़ा है ਉਹ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂੰ ਝੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
मेरा जेड़ा पति है सतगुरु वो तुहाडा सिख बन जाना करे। गुरु प्यारे गुरु ने कृपा की ते गुरु दी रहमत वरती ते गुरु प्यारो ए गुरु का सिख बन गया ते सतगुरु पातशाह जी महाराज ने दोवां ते कृपा कर दित्ती पति ते पत्नी ते। सतगुरु महाराज कहण लगे रहमतां होणगियां धीए तेरे ते ते इस गुरु प्यारो की मंगण लगी अजे बची। कहिंदी सतगुरु जी कृपा करियो हुण मेरे घर दे विचों सिखी जावे ना सदा ही मेरे घर दे विच सिखी रहे। कृपा कीती मेरा पति ते सिख बना दिता है हुण मेरी पीरी दिया मालका मेरे घर विचों सिखी जावे ना। हुण गुरु प्यारो एक मां की मंगदी है एक धी की मंगदी क्योंकि धी तो अगे अंश बंश चलदी जिन्ना महापुरखां दी असीं गुरु प्यारो जात दे विच बैठे आ ना समागम मना रहे उन्हें मां की किन्नी कमाई है माता निरंजन कौर की। फिर जाके इहो जिहे महात्मा नूं महापुरखां नूं जन्म दिता जांदा है। गुरु प्यारो मां की कमाई बड़ी चाहीदी है मां की कमाई है मां ने भगती की सिमरन किया ते फिर जाके गुरसिख इसे गुरु प्यारो फिर गुरसिख जन्म लैंदा ते महापुरख ते बहुत वड्डी कमाई मां की चाहीदी है फिर जाके महापुरख उस कुख नूं भाग लाउंदे है। सो गुरु प्यारो मैं समाप्ति वाले पासे जावां समा मेरा होण वाला है। सो सतगुरु जी ने फिर कृपा की कहिंदी दातिया मेरे घर विचों सिखी ना जावे। सतगुरु ने की रहमतां कीतियां सिर ते हाथ रख के कहण लगे धीए तेरे घर दे विच जिहड़ा पुत्तर होवेगा ना उह सिखी दा धुरा होवेगा रहमतां दा सागर होवेगा कृपा होवेगी उहदे ते। ते सतगुरु पातशाह जी महाराज कहण लगे कहिंदे नाम ही धीए असीं आप रखांगे उहदा। सो गुरु प्यारो घर दे विच दोवें जी गए है हुण जिन्ना मापियां ने बच्चे नूं पालिया हुंदा ना विआह कीता है मां प्यो नूं चा बड़े होंगे बच्चे दे प्रति बड़े सानू चा होंगे है पर जदों सखी सरवर दी हुण जगह वेखी ते इन्ने फड़के भाई साधु ने कही ते गुरु प्यारियो जिहड़ा इहदा भाव बनिया होया सी कब्रस्तान उह ढा देना कीता ते गुरु नानक दी बाणी पढ़न लग पिया सिख बन गया। ते गुरु प्यारियो समां बनिया गुरु ने कृपा की साल बाद इहदे घर दे विच पुत्र ने जन्म लिया ते जदों पुत्र ने जन्म लैणा कीता भाई साधु दे घर दे विच गुरु दे चरणां दे विच लै के आ गए। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज जी कहिंदे लै दातिया पुत्रां दा दानी है गुरु हरगोबिंद पातशाह तू सतगुरु पुत्र भी तुसी दिता है ते नाम भी तुसी रखो। गुरु प्यारियो सतगुरु पातशाह जी दी गोदी दे विच जदों पुत्र पा दिता ना इस बच्ची ने ते सतगुरु पातशाह जी वेख के कहन लगे धीए इहदा ते रूप बड़ा सोहना है इह ते बड़ा सुंदर है ते नां रख दिता भाई रूपा। गुरु प्यारियो भाई रूपा नां रख देना कीता है अज गुरु की रहमत वरतदी पई है कृपा होई भाई रूपा जी। गुरु प्यारियो बहुत वड्डे गुरु घर दे विच सेवादार होए है। सो समा इत्थे आया कि गुरु प्यारियो भाई रूपा जी अपने मापियां दे परिवार दे विच पलदे होए पलदे पलदे गुरु प्यारियो समा आया ते गुरु प्यारियो जवान होए दोवें प्यो ते पुत्र जिहड़े गुरु प्यारियो लकड़ां वड्ढण वास्ते जिहड़े है जंगल दे विच गए। जदों लकड़ां वड्ढण वास्ते गए ते गुरु प्यारियो हुण त्रेह लगी है त्रेह लगी त्रेह दे नाल हुण जिंद निकलदी पई है क्योंकि जिहड़ी त्रेह है ना जिहड़ा पाणी है उहदे नाल जिहड़ी सवास साडे चलदे है। हुण सतगुरु पातशाह जी महाराज दे हुण पाणी पीण योग सी इन्ना ठंडा सी कहिंदे भाई रूपा कहिंदा कहिंदा महाराज सच्चे पातशाह असीं गरीब हाँ साडे कोल देण वास्ते कुछ नहीं ते असीं सारे मंगते मैं पहलां बेनती कीती असीं रब नूं कुछ नहीं दे सकदे एक दाते नूं मंगता कुछ नहीं दे सकदा सारे असीं मंगदे हाँ किसी की मंग वड्डी है किसी की छोटी है। सो गुरु प्यारियो भाई रूपा जी कहिण लगे कहिंदे दातिया असीं गरीब जरूर हैं तैनूं दे कुछ नहीं सकते गुरु हरगोबिंद पातशाह पर साडे गरीबां दे कोल सच्चे पातशाह आ ठंडा शीतल जल है जे कृपा कर देवें ये जल छक लवें गुरु हरगोबिंद पातशाह ते महाराज फिर साडा आउणा सफल हो जाएगा। पिता साधु नूं कहना कीता ते पिता साधु कहन लगा देख पुत्र इत्थों गुरु 30 किलोमीटर की दूरी ते सतगुरु पातशाह जी
ਦਰੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੀੜ ਪਤੰਗੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਐ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਡਭਾਗਾ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੱਠ ਨਾ ਕਰ, ਭਾਈ ਪੁੱਤਰ ਰੁਪਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਜਲ ਛਕ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਪੁੱਤਰਾ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡਰੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਡੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕੇ ਆ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤਰੇ ਆ ਘੋੜੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੁਪਿਆ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਰੁਪਿਆ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰੀਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਜਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸਕ ਲੈ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਰਾ ਢੋਲ ਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਿਆ ਜਲ ਸਕ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਜਲ ਸਕ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬੁੱਲ ਫੜਕਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕ ਲਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ,
पहला तू पी ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी कहिंदे नहीं पहला तू ते गुरु प्यारिओ दोनों पासियां तों तू तू दी आवाज आउंदी है। रूपा कहिंदा नहीं सतगुरु पहला तू जल सक ते गुरु कहिंदा रूपिया पहला तू सक लैणा कर दोवां पासियां तों तू तू दी आवाज आई ते गुरु प्यारिओ कबीर साहब जी कहिंदे तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं जब आपा परका मिट गया जत देखो तत दो उदों ते रब नजर आउंदा ते रब ते अगे बैठा होया सी मीरी ते पीरी दा मालक। सो गुरु प्यारिओ धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज ने अपने सिखां नूं भाई रूपा जी नूं ते भाई साधु जी नूं जल सकाया ते सतगुरु पातशाह जी महाराज ने बेअंत वर देने कीते। सतगुरु पातशाह जी महाराज ने अपने सिखां दे सिख दे नां ते नगर भी वसाउणा कीता बेअंत वर दिते। सो गुरु प्यारिओ गुरु दे हो के वेखिए गुरु कृपा कर दिंदा है गुरु जीवन बदल दिंदा है गुरु जीवन बदलदा महापुरख जीवन बदल दिंदे है ते गुरु प्यारिओ गुरु पतत पावन है पतत पावन पापियां नूं पवित्र करन वाला है ते महापुरख भी गुरु प्यारिओ पापियां नूं पवित्र कर दिंदे है। सो उन्हां दा आउणा धनता दे जोग है उन्हां दा आउणा धन है उन्हां दा गुरु प्यारिओ किसी शराबी की मां नूं किसी ने धन किया उन्हां महापुरखां की मां धन है माता निरंजन कौर जी पिता बाबा गुरबख्श सिंह जी धनता दे जोग है जिन्हां ने एडे वड्डे महापुरखां नूं गुरु प्यारिओ जिहड़ा जन्म देना कीता माता ने ते इहदे संस्कार देने कीते है दुनिया उन्हां नूं झुकदी है झुकदी रहनी है। सो सतगुरु पातशाह जी महाराज कृपा करन प्रबंधक जन्नां दा एडा वड्डा उपराला कीता है हर साल यह वड्डा समागम मनाया जांदा है। मैं धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों के बेनती करदा सतगुरु जी कृपा कर रहमत बख्शिश कर प्रबंधक जना के सिर ते मेरा भरिया हाथ रख के गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज मीरी ते पीरी दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करन सेवादारा नूं प्रबंधक जना नूं होर सेवावां वध तों वध करन दी बल बुद्ध समर्थ बख्शिश करन तंदुरुस्ती दीआं दातां नाम दी दात बख्शिश करन परिवारां विच तंदुरुस्ती दी दात बच्चियां नूं रुजगार बख्शिश करन। सो गुरु प्यारिओ प्रबंधक जना दा धन्नवाद कोटन तोटन धन्नवाद क्योंकि मैं नां नहीं किसी दा वी लैणा इस करके सारे प्रबंधकां दा धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का धन्नवाद जिन्हां ने आप कृपा करके संगत दे दर्शन कराए है मेरे कोलों बेअंत भुल्लां हो गईआं होणगीआं सतगुरु जी कृपा करन गुरु की संगत बख्शन योग है बख्श लैण सतगुरु जी अगे तों समत बख्शिश करन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।